पंचतंत्र के चमगादड़ वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी है तो हम आपको सुनाते हैं। जब पशु और पक्षियों के बीच लड़ाई हुई तो चमगादड़ ने खुद को दोनों ही प्रजाति का बता कहने लगा कि हमारे पंख तो होते हैं लेकिन हम पक्षियों की तरह अंडे नहीं देते हैं, इसलिए हम हर उस दल का हिस्सा होंगे जो जीतने लगेगा। पक्षी और पशुओं में लड़ाई शुरू हुई। जब पक्षी जीतने लगते तो चमगादड़ पक्षियों की तरफ हो जाते, और जब पशु जीतने लगते तो वो उसकी तरफ हो जाते। अंत में पशु और पक्षियों के बीच दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर चमगादड़ का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद चमगादड़ बाबा अंधेरी गुफा में रहने को मजबूर हो गए। इस पंचतंत्र की कहानी और भारतीय लोकतंत्र की कहानी में कोई अंतर नहीं है, और शायद इसीलिए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पंचतंत्र का चमगादड़ बता दिया है। वैसे तो स्वामी जी की अपनी ही एक कला है, वो मुखर होकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, और जब वो बोलते हैं तो नारंगी खेमों में तूफान उड़ जाता है। लेकिन इधर कुछ समय से स्वामी जी नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार की कुंडली में राहु बनकर बैठ गए हैं। दरअसल अमरीकी नौसेना के 7वें बेड़े के जहाज ने लक्षद्वीप के करीब अरब सागर में युद्धाभ्यास किया, वो भी भारत के बिना किसी अनुमति के। भारत ने जब आपत्ति जताई तो अमरीका ने दो टूक लफ्जों में जवाब दिया, और मोदी सरकार की कुंडली में राहु बनकर बैठे स्वामी जी को अपनी ही सरकार के मुंह में कालिक पोतने का मौका दे दिया। अमेरिका ने भारत की आपत्ति पर जवाब देते हुए कहा कि यूएस जॉन पॉल जॉन्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और इसके लिए समुद्र में आवागमन के स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल किया गया है। वो आगे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को जवाब देते हुए कहता है कि अगर भारत विशेष आर्थिक क्षेत्र या महाद्वीप क्षेत्र में अनुमति लेने की बात कहता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। मतलब ये कि एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। देश की अंधी बहरी राष्ट्रवादी सरकार सिर्फ टीवी और खबरों में ही देशभक्त है, धरातल पर इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के इस जवाब पर भाजपा और भगवा के अलग पुरुष कहे जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी महाराज जी ने अपनी ही सरकार और अपने ही नेता के कान थपथपा दिए हैं। स्वामी जी ट्विटर पर प्रकट होते हैं और केंद्र की मोदी सरकार को चमगादड़ बता देते हैं। वो लिखते हैं कि बाइडेन सरकार ने बता दिया है कि वो भारत के कानून का सम्मान नहीं करते हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की हालत पंचतंत्र के चमगादड़ की तरह दयनीय हो गई है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको पंचतंत्र की कहानी इसीलिए सुनाई थी कि आप स्वामी जी महाराज की बातों को समझ सके। आपको यह भी बता दें कि भारतीय कानून के तहत आर्थिक क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र के 200 नॉटिकल मील की दूरी में किसी भी तरह के ऑपरेशन से पहले इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इसकी इजाजत नहीं लेकर बता दिया है कि वो लक्षद्वीप तो क्या भारत के किसी भी क्षेत्र में घुसने की हैसियत रखता है, और वो इसके लिए किसी से अनुमति लेने के लिए बाध्य भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।